This is not the happens, परी. ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ सब कुछ हमारे हस्बैंड्स का है और वो अपनी मम्मी का स्लेव बना हुआ है, जैसे वहाँ मामा जी अपनी अम्मा के स्लेव बने हुए हैं. यानी आजकल के जेंट्स को क्या हो गया, किसी काम के है ही नहीं. अब कुछ तो करना पड़ेगा इस आदमी को अपना स्लेव बनाने के लिए. अब हमारा मेन का गेटअप ही हमें नौकरानी बनने से बचा सकता है. अरे हरी काका सुनिए ना, हमें ना फ्लावर, फ्लावर्स तो इन्हें समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी नहीं आती होगी. हमें ना फूल चाहिए, गुलाब चंपा चमेली कुछ भी चलेगा. काहे कौन मर गया? कोई मारा नहीं, हमें ऐसे ही चाहिए थे. अभी तो रात हो गई है, फूल कल मिलेंगे, कल लेके आएंगे. रात हो गई है, फूल कल मिलेंगे, कल लेके आएंगे, हम खुद ही ले लेंगे. हरी काका ने फूल देने से मना कर दिया तो चली गई बगल वालों के घर फूल चुराने के लिए. अपने इरादों की पक्की भी है और शातिर भी, मगर एक कर का रही थी. अरे तुम तो एक नंबर के बकलोल हो मकड़ी, कितना नहीं चोरी कर रही हो. हमको लगता है इस सुजीव को रिझाने के चक्कर में. चलो देखें क्या कर, चलो चलो. अरे मम्मी मम्मी, जिसको भागना था वो भाग गई है. कहानी खत्म करो और हमारी कहानी सुनो. वो लेनदान के फोन आ रहे हैं बार बार, है? उनको लग रहा है कि हम भाग जाएंगे. वो 7 दिन की मोहलत दिए थे हमको. अब सुनो ना, हमें क्या बोल रहे हैं कि वो पानी की जो जमीन है ना वहाँ पे चलते हैं, देखते कि खजाना गड़ा है कि हवा बाजी है. पागल हो गए तू, इस वक्त जाएंगे? पागल कितनी दूर है, वो 3-4 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में. मुगल सराय के बाहर है वो जमीन. अभी नहीं बेटा, अभी सोचा कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के चले जाएंगे. यार मम्मी यार, एक एक घंटा कीमती है यार हमारे लिए, अब कहीं से समझाए आपको. हम नहीं रुक सकते. अरे अमित तू सोच तो सही जरा, ये कोई बखत है कहीं जाने का खोदने के लिए? है तू सो जा, खजाना कहीं भाग के थोड़ी चला जाएगा रात भर में. सो जा, सुबह जाएंगे जल्दी. सुबह जल्दी जाएंगे, पक्का पक्का. हाँ हो गया. हाँ, the works is done. अब परी तू भी ना परी बन जा. Yes, चलो. चलो मेरे साथ. कहाँ? अरे यार कितने सवाल पूछती हो तुम. कभी तो अपने पति पे विश्वास करो, कभी तो बात मानो मेरी. अरे ऐसे अचानक से बोलोगे तो शौक तो लगेगा ही ना. Listen, शौक नहीं है, सरप्राइज है. सरप्राइज? हाँ. कैसा सरप्राइज? अरे स्टेशन के बाहर ना एक कॉफी वाला बैठता है और उसकी कॉफी बहुत ही टेस्टी होती है. प्लीज चलो ना मेरे साथ. मुझे मालूम तुमने किचन में बहुत सारा काम किया, तुम थक गई हो, इसीलिए कॉफी तो बनती है ना. बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत भी नहीं और मूड भी नहीं. देखो मूड मेरा भी नहीं यहाँ पर बैठने का, मेरा बहुत मन है कॉफी पीने का. चलो ना मेरे साथ और तुम्हें कॉफी भी पिलानी. कॉफी डेट, कॉफी डेट.
चुड़ी 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 निकालो चुड़ी 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 छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, मार देंगे तुमको, मार देंगे तुमको, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें शोर पसंद नहीं है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तुमको, चूड़ियाँ आपको पसंद नहीं है, चूड़ियाँ का शोर, चूड़ी निकाल, चूड़ी चूड़ी निकाल, साड़ी निकाल, चूड़ी निकाल, हमें चूड़ी का पसंद नहीं है, छोड़ो, 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 छोड़ेगा आप सब लोगों ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, धोखा दिया हमें, एक पागल इंसान से हमारी शादी कर दी। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमने नहीं, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तुम ही शादी करना चाहती थी इससे। हम तो चाहते भी नहीं थे कि तुम हमारी बहू बनो। हमने तो बोला भी था, लेकिन तुमने सुना कहा? कर ली ना इससे शादी, अब भुगतो। सादिया, हमारे भोले भाले बेटे को हमने बजाया, आप लोगों ने बजाया हमें, झूठ बोल के मैरिजेस करवा दी हमारी। क्यों किया ऐसा हमारे साथ? और तुम क्यों? आंसर दो हमें, हमारी क्या गलती थी? हमें धोखा क्यों दिया? तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई एक मैक्समैन है? इतना बड़ा धोखा! हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम पुलिस को बुलाएंगे, जेल पहुंचाएंगे तुम सबको, हमें बोलने जाते। हाँ, बुला लेना, लेकिन उससे पहले हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। चले, थैंक यू, वेलकम। वैसे काफी दिनों बाद हम दोबारा वापस आए ना बाहर। अरे यार, अब तो खुश हो जाओ। कैसे खुश हो जाऊं शिवम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम सब लोग एक गलत चीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। प्रिया प्लीज, हम घर की बातें घर तक छोड़ सकते हैं? हाँ, अपना मुंह ठीक रखो ना। मुंह ठीक नहीं हो रहा है ना, बेचारी प्रीति की जॉब जा रही है, ये छोटी बात है क्या ये? अरे रिया, अगर दादी ने मना कर दिया प्रीति को तो अब वो नहीं जा सकती है ना। क्या मतलब है नहीं जा सकती? क्योंकि दादी को लगता है कि प्रीति कुछ गलत कर देगी इसलिए वो उसका करियर खत्म कर देंगे। कितनी अजीब बात है ये शिवम। मैं मानती हूँ कि दादी जी को और मम्मी जी को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, और अगर हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे भी तो शायद उन्हें समझ ना आए। लेकिन प्रीति और नमिता, वो तो आजकल की लड़कियां, उन्हें तो ये बातें समझ आती हैं, तो फिर वो क्यों अपना स्टैंड नहीं ले रहे? और उससे भी अजीब बात पता है क्या है? कि तुम कैसे इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? अरे रिया, मैं समझ सकता हूँ कि प्रीति को कितना बुरा लग रहा है उस बात को लेकर, लेकिन अगर दादी ने कुछ कह दिया तो उसको कोई अपोज नहीं कर सकता है, चाहे दादी गलत ही क्यों ना हो। रिया, बात सही या गलत की नहीं है, बात यह है कि हमारे घर में शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसा चलता रहेगा।
पर मैंने तुम्हें कहा था शादी से पहले कि हमारे घर के तौर तरीके अलग है और तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हमारे घर के तौर तरीकों को चेंज करने की कोशिश मत करो। और रही बात प्रीति की, तो वो समझ जाएगी इस बात को। शिवम, कितना आसान है ना ये कहना कि प्रीति समझ जाएगी, लेकिन क्या किसी ने प्रीति को समझने की कोशिश की है? Let's just stop this, Riya. मैं तुम्हें घर से दूर, उन प्रॉब्लम से दूर इसलिए नहीं लेकर आया था कि हम यहाँ आकर झगड़े। मैं इसलिए लेकर आया था ताकि हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। प्रॉब्लम से दूर जाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होते शिव। Let's just stop this, Riya. प्लीज कॉफी कंप्लीट करो अपनी। अच्छी नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, घर चलते। तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो ना, जाओ। लेकिन उसके पहले ये देख लो। What is this? इसको कहते हैं कागज, पेपर, कानूनी कागजात। अरे ब्योम, ये वही है ना जिसने साइन किया था, बकरी का। पढ़ लो। का पढ़ना नहीं आता है? हम बताते ना क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि तुम सुजीव की बीमारी के बारे में जानती हो और उसके बावजूद तुम कानूनन उसको अपना पति मानती हो और तुम्हें इस जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। तुम सुजीव को सिर्फ प्यार करती हो, इसीलिए तुमने उसके साथ शादी की। और किसी कारणवश अगर ये शादी टूट जाती है तो फिर भी तुम्हें ये जायदाद नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको तो सिर्फ सुजीव चाहिए, उसका प्यार चाहिए बस। और इसके अलावा हमारे पास और भी सबूत हैं, जैसे कि एल्बम, शादी की। अरे बिना एल्बम और वीडियो के कोई शादी शादी होती है का? उस मंदिर में जो कुछ भी हुआ ना, उस सब का फोटो हम खींच लिए। और यहाँ जो तुम्हारी मम्मी नौटंकी की थी, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो इस नाते सुजीव तुम्हारा का है? पति। और तुम उसकी का हो? धर्म पत्नी। अब तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो? हम भी साथ चलते हैं ई पेपर लेके। चलो आओ। सच में हमको ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दिल दुखा रहा है तुम्हारी हालत देख के। लेकिन का करें, क्योंकि अब तो ऐसा है कि ना निगले जाए ना उगले जाए, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इसमें जो लिखा है ना, तुम वही करो। सुजीव को मन मंदिर से अपना पति मानो, उसका नाम जपो और इस घर में रहो, क्योंकि इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है ना। हा? गुड नाइट। मम्मी कितना टाइम लगाती हो यार? अरे का टाइम लगाते हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। हमने काली बिल्ली कब पाल ली? ओ अमित, वहाँ हम रनिया की बात कर रहे हैं। चलो बैठो जल्दी। एक मिनट ना, अम्मा का फोन आया है, रुक जा। हाँ अम्मा नमस्ते। अच्छा लैला ने फोन किया के परिया का फोन वोन आया, कोनो खबर आई बिटिया? नहीं, परी का तो कोनो फोन नहीं आया अभी तक अम्मा। आएगा तो हम तुमसे बात करवा देंगे। हैं अभी रखते हैं हम, थोड़ा जल्दी में हैं। 2-3 दिन के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार का ऐसा रख रही है तो? अब अम्मा तुम तो जानती हो कैसा चल रहा है हमारे साथ इतने दिनों से, मुसीबत का, और हमारा तो एकदम गिल्ली डंडे जैसा साथ हो गया है। तो हम सोच रहे हैं जाके जरा तीर्थ यात्रा कर आए, 2-4 दिन भगवान का नाम लेंगे तो पाप कट जाएंगे शायद, है इसलिए जा रहे हैं। रखते हैं, 2-3 दिन बाद बात करेंगे। नमस्ते अम्मा, ध्यान रखना अपना। है ठीक है, जाओ।